ਵੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਜੀ ਭਾਈ ਰੇਬ जी ये मशीन के बारे दसी तो जरा ना एक किसी फिलहाल ये पता नहीं वैबसाइटा होंगे ना उन्होंने तो बहर बिल्कुल एमाजोन तो अलीबाबा तो होर भी श्रिंकली कई जड़िया वैबसाइटा ने उन्होंने तो भी मिल रही है लेकिन अगर वह तो धोखे तो भी बचना चाहते कई उ ना फराड़िए भी बैठे ने हूँ असि ना पट्ठे कट लेने रखिए यह जरा ना जी इतों मोबलैल पस जगह तो इस जगह पर मोबलैल पैंता है चलाना तो पीना नहीं चलानी तो नहीं पीना कुछ लोग जो है जी केके त्रोड़ लेंगे ने इतों मार लेंगे लेकिन इन जिस टाइम ए जिते रस्सी का खिचाओ खत्म हो जाए नॉर्मल खिचाओ रख के खिचोगे तो फिर अच्छे तरीके ज्यादा अरसा कट जाएगा लेकिन ऐसे करोगे ना इवें जिमें झटका नहीं लगता बंदे उस हिसाब न उस तो बाद अगर मिसिंग मुसिंग कर लग जाए ये इतने कारपेटर एक किस्म के जिस हिसाब से मोटरसाइकिल देखो असी पट्ठे पड़ते रहे तीन चार दिन हो गए असी साफ कौन नहीं किया गंद इस जगह तो हवा खिंचती इनू ना भाई जाने पहले नंबर पर तुम थोड़ा जहा पेट्रोल लैके तो सुट के ना इन सा इन नचोड़ लेना इन तो सारा गंद निकल जाएगा उस बाद थोड़ा जो मोबलाइल लैके ना उंगली तो लगा के ये ऐसे ऐसे लगा देना भी जरा ना गट्टा ये अंदर वाली साइड से ना जाए देखो ना अंदर वाली साइड तो गट्टा नहीं है कट्टा बाहर वाली साइड से तो ये इतने लगा देना फिर दोबारा जैसे उतारिया ठीक है उस तो बाद कुछ दोस्त पूछते हैं सानू शिकंजा जरा असी अगली साइड से एक शिकंजा बहुत ही अच्छे तरीके का लगवाया तो उस अपनी आल्टरेशन की कुछ लोगों जी चीज़ है ना बाजारी जी मिलती बिल्कुल पत्री होंगी सिल्वर जी वो जिस टाइम पट्ठा मजबूत आंदा ना जब इस साइड तक सट वजद या फिर जा या इतों टुट जाने ए कुने इतों टुट जाते हैं इतों असी जाना उतों असी लवा रहे को बनवाइया ने जोड़ा वो वैल्डिंग मशीन तो हराद मशीन होंगी वो बनवाइया तो कुछ लोग शिकंजे का पुछते हैं यदि असं तुम तस्वीर दिखा दें होर न दिखा दें दमर उस तस्वीर ये अगर थोड़े इलाके चु नहीं मिल रहा साढ़े तो चौकादम तो ही मिल रहा चौकादम एरिए चु अगर कुछ दोस्त पुछ रहे सन भी है सू शिकंजा वाला चाहिए साढ़े को जाली वाला साढ़े को पित कोई होर हिसाब सूब वाला मैंने समझ नहीं आई उन्होंने भी एला शिकंजा असं पट्ठे वढ़दे तो वेख्या तो ए पट्ठे बड़े अच्छे वढ़ रहे उस तो बाद भी लूसन भी वढ़दे वेख्या तो कहें भी थोड़ा इतना लूसन नहीं खिलरता भी साड़ी मशीन इधर दिखाओ मतलब मनो भी इतों जोड़ा ना लूसन बहुत ज़्यादा वापसी छोटा लूसन कढ़ दें बकाया व्डा टिक जाता है यह अस इस वास्ते प्लेट लाइए कि यह दो उंगलों तो जोड़ा थले वाला लूसन है ना वो भी इकट्ठा करके इस प्लेट के जरिए ढेरी के लै आती भी खिलार दी ने तो यह जो शिकंजा ये तुम किसी अगर बनवाना चाहो तो अपने किसी भी नज़दीकी वैल्डर को या मकैनिक को जोड़ा वैल्डिंग तो लोहे का काम करता हो दिखा दो तस्वीर या स्क्रीनशॉट लै लियो वो अच्छे तरीके जो मैनुफैक्चर कर देगा बना देगा जी भाई कुछ लोग पूछते हैं भी यदा कटर बहुत छेती खत्म हो जाता है किवें इस्तेमाल करना चाहिए किड़े तजर्बे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि छेती खत्म देखो जी कुछ लोग जो लालच करते हैं बिल्कुल थलू रख के वढ़न की यह कटर तां खत्म होंगे जिस टाइम ज़्यादा भी या किसी वट्टे शट्टे के बजे एहतियात ना इस्तेमाल करो वट्टा उड़ के तुहाड़े वज सकदा है उस तो अलावा एक कटर साढ़े को 60 टेप वाला भी ये ज़्यादा टेप वाला लोड तो असं पाने सिर्फ लूसन से 100 टेप वाला 60 टेप वाला भी लोड घट लेंदी है तो फिर बाजरा तो वड्डे पट्ठे वढ़ दें जो संघने या डिगे पट्ठे हो उस तो अलावा 40 टेप वाला भी चाइना का कटर है तो वुड कटर यू आते हैं वुड कटर चाइना की कंपनी का ना है वुड कटर तो उस तो अलावा ये जोड़ा ना खत्म तो होंगे जिस टाइम असं वढ़ने तो रेत वजदा ना उस टाइम रेत च वजन ना क्रैश हो जाता जोड़ा ना अगली साइड तो टिप न उस हिसाब न पान लगी होंगी कि पट्ठिया ये पट्ठिया वास्ते ठीक है पर जो ना ये पान खत्म हो जाती रेत दी टिप की अगू है थिकनेस ये भी घट जाती है ये कटिंग जोड़ा ना करना फिर खत्म कर जाता है तो उस तो बाद इतने ग्रेस भी करनी लाजमी कुछ दोस्तों नहीं पता हों नट ओपन करोगे खोलोगे ना ये थोड़ा जि एक सुरिंज लैके उस ग्रीस भर के ना पिछली साइड तो अगर ग्रीस गन है ठीक नहीं है तो सुरिंज भर के ये दे के सुरिंज इस हिसाब ना टीका बंदे लाई दे या जानवर में धिक दोगे जोड़ा ना गरारी गोडा ये चली जाती ग्रीस जो मैट लगा भी दस दौ मैट जोड़ा ना जी ये अगर तुम वढ़ रहे हो कोई मिट्टी उड़ती है या कोई मिट्टी के ऐसा इट का वट्टा या पत्थर आ सकता कटर वजद कटर हूँ स्पीड थोड़ी लत्त में या उड़ के मूँह से या किसी जगह उ नादक जगह से ना लगे इस वास्ते ये मैट जोड़ा ना जिस टाइम असं उठा लेने कटर बिल्कुल सेफ कर लेंगे
ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਖਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਛੇਤ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸੇਫਟੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਟਰ ਬਈ ਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰੱਸੀ ਲਪੇਟ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਪਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਲੱਗੀ ਰੱਸੀ ਵਾਲ ਕੱਤਦੀ ਛਾਪਰ ਵਾਲ ਕੱਤਦਾ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲ ਕੱਤਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੰਗ ਲੱਤ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਦਸਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਬਾਊਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅਬਾਊਟ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਇੰਸਟਾ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।